क्रिकेट में वैसे तो आपने बहुत से कोइंसिडेंस देखे होंगे, लेकिन आज जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के तीन सबसे बड़े कोइंसिडेंस। और नंबर वन पर तो एमएस धोनी का एक ऐसा कोइंसिडेंस है जिसे सुनकर आप हिल जाओगे। और ये एशिया के बाहर सेंचुरी ना लगाने वाला कोइंसिडेंस नहीं बल्कि कोई दूसरा कोइंसिडेंस है। तो नंबर थ्री पर है राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के बीच के कोइंसिडेंस। एक्चुअली इन दोनों ने सेम ईयर में डेब्यू किया और दोनों ने एग्जैक्टली 16 साल बाद रिटायरमेंट ली। और तो और इन दोनों की लास्ट सेंचुरी कोलकाता में आई और इन दोनों ने अपनी पहली टेस्ट विकेट एक ही टीम के खिलाफ ली। नंबर टू, सचिन तेंदुलकर के तीनों हाईएस्ट स्कोर्स में एक ही अंपायर ने अंपायरिंग की थी। दरअसल सचिन सर के ओडीआई के टॉप थ्री हाईएस्ट स्कोर 175, 186 और 200 रन है और इन तीनों मैचों में साबित राठौर नाम के अंपायर ने अंपायरिंग की थी। नंबर वन, एमएस धोनी की पहली टेस्ट सेंचुरी और पहली ओडीआई सेंचुरी इनके पांचवे मैच में आई थी और इन दोनों मैच में इन्होंने 148 रन बनाए थे और दोनों बार सामने वाली टीम पाकिस्तान थी।